अगर आप एक यूट्यूबर हैं और वीडियोज बनाते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, क्योंकि सरकार द्वारा बहुत बड़ा कार्रवाई होने वाला है। और आप यदि इस तरीके का वीडियोज बनाते हैं, इस तरीके का काम करते हैं, तो बहुत बुरा तरीका से आप फंसने वाले हैं। ध्यान से सुन लीजिए, चाहे आप एक छोटे क्रिएटर हैं या फिर बड़े क्रिएटर हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप एक छोटे क्रिएटर हैं या बड़े क्रिएटर हैं। छोटा बड़ा का मतलब यह है कि आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी आपके दर्शक हैं, जितने भी आपके ऑडियंस हैं, अब उससे डिसाइड होता है कि आप छोटे क्रिएटर हैं कि बड़ा क्रिएटर हैं। हालांकि मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक ऐसा न्यूज आया है, आप अगर न्यूज देखते हैं तो शायद आपको पता भी होगा, अगर न्यूज नहीं देखते हैं तो मैं आपको आज बता रहा हूं पूरा डिटेल्स में, ध्यान से सुनिएगा। और मेरे चैनल्स पे नए हैं, जी हाँ, मैं मोबाइल वाला यूट्यूबर, अगर मेरे चैनल्स पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को एक लाइक कर दीजिएगा, मर्जी आपकी है, करो या ना करो, मैं आपको कह रहा हूं, कमेंट भी कर सकते हैं चाहे तो। करना क्या है, देखिए, आपका चैनल हो सकता है कि टेक कैटेगरी में है, दूसरा हो सकता है एजुकेशन में है, ठीक है, एजुकेशन, तीसरा हो सकता है कॉमेडी हो सकता है कि न्यूज आप बताते हो सकता है कि आप शायरी वगैरह लिखते हो, या फिर एडिटिंग करते हो, है ना, एडिटिंग जानते हैं, एडिटिंग सिखाते हो, टिप्स देते हो, या फिर किसी प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, किसी भी कैटेगरी में आपका चैनल है। खास करके अगर आप मतलब सोशल मीडिया से जुड़े हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे यूट्यूब पे, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे फेसबुक पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और आप उसे अर्निंग करते हैं, तो उन सबके लिए ये नियम लागू होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। और अगर आप एक क्रिएटर हैं तो मेरी बात को गौर से सुनिएगा अब जो बता रहा हूं। देखिए हुआ क्या है, पिछले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में बहुत ऐसी खबरें आपके सामने भी आया होगा कि फला मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ऐसा आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं न्यूज देखा होगा। इस व्यक्ति ने मतलब जैसे कोई ऋषि मुनि है, मतलब कथावाचक है, आपने देखा होगा उनके फोटो पे, तस्वीर पे फूलों का माला लगा करके उनको ये खबर बनाया जाता है कि ये व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, ये सन का स्वर्गवास हो गया, जबकि वो जीवित हैं। और लोग और क्रिएटर यूट्यूबर ये क्या कर रहे हैं, व्यूज पाने के चक्कर में इस तरीके का गलत इंफॉर्मेशन लोगों में फैला रहे हैं, ठीक है। आप ऐसा जरूर कहीं ना कहीं वीडियो देखा होगा कि इस कथावाचक का मृत्यु हो गया, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, इस मंत्री पद से इस व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया, और या फिर इस पार्टी के नेता जो है इस पार्टी में शामिल हुए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये गलत इंफॉर्मेशन न्यूज बना करके फैलाया जाता है, एक सनसनी बनाई जाती है। तो इस पे अब उनके खिलाफ जो क्रिएटर हैं, जो यूट्यूबर हैं, जो इस तरीके का परफॉर्मेंस अपने वीडियोज में दिखाते हैं, उनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी, पहली बात। और 100 से ज्यादा चैनल्स, 100 से ज्यादा यूट्यूब चैनल हैं जो कि बैन कर दिए गए हैं, उनका सब्सक्राइबर भी 50 लाख 60 लाख 20 लाख 25 मतलब बड़े क्रिएटर हैं उनका चैनल जो उस मतलब देखिए सब्सक्राइबर ऐसे कैसे हो चुके हैं, इतने ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइबर कैसे हो चुके हैं, हालांकि वो इंसान मतलब फेमस नहीं है, क्या हुआ है कि उसने गलत इंफॉर्मेशन दिया है, और गलत इंफॉर्मेशन देने के कारण मान लीजिए अब कोई अच्छा खासा व्यक्ति है और उनको मृत घोषित कर दिया कि ये व्यक्ति मर चुके हैं और इनका श्रद्धांजलि दिया जाए, इनका स्वर्गवास हो गया है, इनका शरीर पूरा हो गया, इस तरीके से न्यूज बना करके ये यूट्यूबर लोग क्या कर रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं। अब उसकी वजह से अब उस जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, उस व्यक्ति के जो भी ऑडियंस है, जो भी दर्शक है, उनको चाहने वाले लोग हैं, है ना, तो अब वो क्लिक करके देख रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया। अगर जिनको पता है वो कमेंट में लिखते, गाली भी लिखते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, ये सब फेक न्यूज है, लेकिन उसके बावजूद भी अब थंबनेल लगा है, पोस्टर लगा है, फूलों का माला लगा हुआ है, अब इस व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया, तो अब क्या होता है कि अब लोग उस पर क्लिक करके देखते हैं, और देखते हैं तो ये जो यूट्यूबर है इससे इसका कमाई होती है, इससे इसको रेवेन्यू मिलता है। यानी कि एक गलत इंफॉर्मेशन समाज में डाल करके और उससे वो बंदा कमाई करता है, और उससे उस मतलब उस वीडियो से उसको सब्सक्राइबर भी ज्यादा मिलते हैं, 50 लाख 20 लाख 30 लाख मतलब लाखों में ही होता है। तो अब सरकार द्वारा नियम लगाया जाएगा, और आप सभी का क्या, हम सभी का जो भी क्रिएटर हैं उन सबके लिए लागू होगा, और गलत इंफॉर्मेशन कभी मत दीजिएगा, क्योंकि आप बहुत बुरा तरीका से फंस जाएंगे, ठीक है, आपके ऊपर केस भी हो सकता है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है अगर आप इस तरीके से गलत इंफॉर्मेशन
देते हैं, तो जो कि मतलब सत्य नहीं है, बिल्कुल असत्य है, और एक थंबनेल लगा करके, एक पोस्टर लगा करके आप जो है वीडियोज क्रिएट कर देते हैं और क्रिएट करके उसको अपलोड कर देते हैं। मैंने यहां तक बता रहा हूं आपको, एक अब नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक चैनल पे मैंने देखा था कि उस पे फोटो को इतने गंदे तरीके से उसको एडिटिंग करके समझते हैं ना, एडिटिंग करके उसको अपलोड किया जाता है थंबनेल के, मतलब अंदर कुछ नहीं होता है लेकिन पोस्टर ऐसा दिखाया जाता है। अब उस पे भी क्या होता है, जो बच्चे हैं पढ़ने वाले लड़के हैं 12 में क्लास करते हैं या फिर इस टाइप का स्टूडेंट है, अब वो वीडियोस पे जाते हैं, जा करके फिर वो कुछ और देखते हैं, फिर कुछ और सर्च करते हैं, फिर कुछ, उनका दिमाग ना डाइवर्ट होता जाता है। तो ये सब जो भी कर रहे हैं यूट्यूबर लोग होते हैं, तो उन यूट्यूबरों के खिलाफ अब कार्यवाही होगी। और अगर आप लोग मतलब सच्चे इंसान होंगे, मैं जानता हूं कि आप लोग सच्चे होंगे, इस तरह के काम आप लोग नहीं करते होंगे, अगर कभी गलती से भी कर दिया है उसको सुधार लीजिएगा और मत कीजिएगा, क्योंकि आज तो आपको हो सकता है कि व्यूअर मिल जाए, सब्सक्राइबर मिल जाए, बहुत लोग आपको मतलब फॉलो करना शुरू कर दें, लेकिन ये सारे के सारे ना बेकार है, सब फेक है, इससे कुछ कमाने वाले नहीं है आप। एक बार कोई गलती से देख भी लिया आपके वीडियोस पे, आके क्लिक भी कर दिया, लेकिन दोबारा आपके वीडियोस पे नहीं आएगा, क्योंकि गलती इंसान से एक बार हो सकता है, दोबारा वो आएगा आपके पास। एक बार गलती से आपने फोटो लगाया है, कोई थंबनेल बनाया है, और उसकी वजह से लोग आपको देख तो लेंगे है ना, क्या है अंदर, लेकिन फिर दोबारा नहीं आएगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इतना बुरा काम आप मत कीजिएगा, जो कर रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आप लोग तो बिल्कुल मत कीजिएगा, बंद कर दीजिएगा, क्योंकि आप बहुत बुरा तरीका से फंस सकते हैं। ठीक है, चाहे आप कॉमेडी बनाते हैं, कोई भी बनाते हैं, अच्छा सा थंबनेल बनाइए, अच्छा सा पोस्टर बनाइए, अच्छा सा मतलब अच्छा वीडियोज बनाइए, ठीक है, और उसको एडिटिंग करके मतलब बेहतरीन बनाइए, सुंदर बनाइए, अपनी वाणी में वो रखिए कि मैं लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट हूं। अब लोग क्या करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उसमें गंदा वीडियो चला देते हैं, उसमें कुछ ऐसी खबरें बताना शुरू कर देते हैं जिससे कि ये फलाना व्यक्ति की मृत्यु हो गई, यहाँ पे श्रद्धांजलि हो रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, वो व्यक्ति ठीक ठाक अपने काम कर रहा है, मतलब पता ही नहीं है उसको, और इसके पीछे ये सब हो रहा है। तो ऐसे यूट्यूबरों के खिलाफ कार्यवाही होगी, है ना, और इस एक प्लेटफॉर्म पे नहीं, ऐसा मत समझना कि सिर्फ यूट्यूब पे, हर एक प्लेटफॉर्म पे ऐसा लागू होने वाला है। लेकिन न्यूज में एक बड़ा न्यूज चैनल है, जी न्यूज, आप लोग जानते होंगे, वहां पे आप जा करके देख सकते हैं। मैंने देखा तो मैंने कहा यार मैं क्रिएटर हूं, मैं यूट्यूब टिप्स देता हूं, हालांकि मैं सबको बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरे यूट्यूबर लोग हैं, हो सकता है कि न्यूज नहीं देखते हूं, लेकिन मैंने देखा तो मैंने कहा ये सबसे पहले बताना चाहिए, क्योंकि नया साल आने वाला है, और ये गलती जो आप कर रहे हैं अभी तक कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं हो रहे हैं, यही सब तो गलती है यार, कि मतलब झूठ का थंबनेल बनाया, झूठ का सब, सच बनाओ, जो सच है वो दिखाओ। जब आप सच दिखाओगे तो हो सकता है कि उतना ज्यादा आपको रिस्पॉन्स ना मिले, लेकिन अगर आप सच करते रहोगे तो आगे चल के प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, और एक दिन ऐसा होगा ना कि यही सच सुन सुन के लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे, और आपको पता नहीं है कि आज कौन सी वीडियोज मैं बना रहा हूं और कब ये वीडियोज वायरल होगी, किसी को नहीं पता होता है। हो सकता है कि जो वीडियो आज आप बना रहे हैं वो आज ना चले, लेकिन 2 महीना 6 महीने बाद वही वीडियो चलता है, उससे रेवेन्यू कमाई होगी, उससे मोनेटाइजेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गलत इंफॉर्मेशन कर देंगे समाज में तो सरकार की तरफ से भी कार्यवाही होगी, प्लस मोनेटाइजेशन भी बंद होगा, चैनल यूट्यूब भी बैन करेगा, आपको बहुत बुरा तरीके से फंस जाएंगे मेरे, तो सारा मेहनत आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अगर यूट्यूबर है सच्चे लगन से काम कीजिए। मैं आपको सिखाने वाला हूं ना, मैं आपको तो सिखाता ही हूँ कि चैनल कैसे बनाया है, कैसे वायरल होता है, कैसे सर्च करते हैं, कैसे सजेस्टेड होता है, कैसे रेवेन्यू आता है, कब मोनेटाइज, सारा कुछ तो मैं सिखाता हूँ यार, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन हर चीज मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, आप लोग सोचते हैं कि नहीं मैं इस तरीके से बना दूंगा तो वायरल हो जाएगा, नहीं होगा यार, अगर हो भी गया फंस सकते हैं आप। ऐसा गलत काम मत कीजिएगा, गंदा काम मत कीजिएगा, और जीवन को बदलिए यार, ठीक है। तो एक इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको दे दिया, हो सकता है आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपका कैटेगरी क्या है ना, कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, जय हिंद।